तो फील गेम फैमिली, बहुत दिनों के बाद अनचार्टेड 4 के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और पहले तो सॉरी, इतने दिन लगा दिए मैंने नया एपिसोड लाने में, लेकिन अब से आप लोग से वादा है कि पक्का हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वीडियो आएगी। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। और जिन भी मेरे भाइयों ने इससे पहले के एपिसोड्स अगर मिस कर दिए हैं तो सारे एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, उन सबको एक बार देख लेना। और जिसने यहां तक देख लिया उसको पता है कि कहानी क्या चल रही है भाई। तो 11 लंबे एपिसोड्स के बाद फाइनली नेट खजाने के करीब पहुंच गया है, लेकिन अब नेट को खजाना नहीं चाहिए, उसे अपने भाई सैम को बचाना है, क्योंकि सैम को पकड़ रखा है रेफ ने। और जैसे ही रेफ को खजाना मिल जाएगा वो सैम को मार देगा। तो चलो, नेट और इलीना मिलके सैम को बचाने जा रहे हैं, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लेने का, ये मैंने लास्ट टाइम कर लिया था, लेकिन आई थिंक कंटिन्यू जब मैंने किया तो न्यू डेवन्स चैप्टर से शुरू हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ऊपर ही जाना है, ऐसे भी बहुत दिन हो गया तो थोड़ा सा अच्छा ही है कि जहां से नया चैप्टर स्टार्ट हुआ वहीं से हम लोग खेल रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। लास्ट एपिसोड में मैंने इसे थोड़ा ही सा आगे खेला था। इलीना पीछे पीछे आ जाओ, ऐसे तो जाना सीधे ही है, ये वाला टूटेगा। आई थिंक 30 सेकंड का और बच गया होगा, वहीं तक मैंने खेला था लास्ट एपिसोड में। शोर लाइन के आदमी लोग आ गए थे, मैंने एपिसोड खत्म कर दिया था। अच्छा, मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोग से पूछा था कि शोर लाइन के आदमी लोग को कैसे मारा जाए, साइलेंटली या फिर बूम बम। तो ज्यादातर लोगों ने बोला एक भाई बिना एक भी गोली चलाए शोर लाइन के आदमी लोग को मारो। वेलकम टू एवरीज नेबरहुड। इट्स अ नाइस प्लेस इफ यू डोंट माइंड सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स एंड वाटर डैमेज। Yeah, clearly some drainage issues. A real fixer-upper opportunity. सामने पायरेट हेनरी का घर है, वहाँ पे शायद खजाना हो सकता है। Okay, so looks like somebody blew that dam and then flooded the whole place. किसी ने डैम फोड़कर पूरी जगह को डुबा दिया है। You know, I forgot. Pretty good at this. नेट भूल गए थे कि लीना इन सब चीजों में कितनी एक्सपर्ट है। All right, so which one of these do you think is Avery's? My money's on that one. One that's still intact. Avery ne pakka dam phoda hoga. You're not so bad at this either. Yeah, well, you know, I've had a little practice, read a few books. Shit. What? What? The front door. Sam ko pakad rakha hai Rafe ne. Sam. He's still alive. Yeah, for now. Come on. चलो चल के सैम को बचाते हैं, बहुत ज्यादा शोर लाइन के आदमी लोग हैं, बिना एक भी गोली चलाए मेरे को सबको मारना है। तो चलो keep your eyes open for shoreline types. Yep. There goes nothing. बस यहां से थोड़ा सा और आगे, वहीं तक मैंने लास्ट टाइम खेला था, इसलिए ये सब तो पता है। अभी शोर लाइन के आदमी लोग को कैसे मारा जाएगा ये देखना है। गोली चला के मारना ज्यादा आसान होता, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, इलीना भी साथ में है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ग्रेनेड भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग ने चैलेंज दिया था कि गोली नहीं चलाना है, लेकिन ग्रेनेड यूज कर सकते हैं अपन। और किसी ने अगर देख लिया तो भी मैं गोली नहीं चलाऊंगा, भाग के छुप जाऊंगा और फिर से साइलेंटली मारने की कोशिश करूंगा। ऐसे तो बहुत आदमी लोग थे और कुछ स्नाइपर्स भी मुझे नजर आ रहे थे। चलो अभी देख लेते हैं कितने सारे आदमी लोग हैं। बस पहुंच ही गए हम लोग, ऑलमोस्ट इस घर से निकल के जाऊंगा, वहीं तक खेला था। थ्रू हियर, वॉच योर हेड। सर बचा के इलीना, और ये आज के एपिसोड में वन एंड लास्ट साइलेंट मिशन रहेगा। उसके बाद अगर मुझे कोई आदमी लोग दिखे तो मैं बूम बाम करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों चीज आपको देखने मिले एक ही एपिसोड में। किसी तरह का सिंबल बना हुआ है। ड्रैगन, वी इन क्रिस्टोफर कॉनन्स हाउस। ओ, वन ऑफ द फाउंडर्स के घर पे है हम लोग। तो एवरी का घर सिर्फ सही सलामत है, बाकी सबके घर डूब गए, यानी कि एवरी का कांड किया हुआ है। सारे फाउंडर्स को भी मार दिया क्या एवरी ने खजाने के चक्कर में? Over here. आ रहा हूँ इलीना, थैंक यू बताने के लिए। तो यहाँ से अब नया एपिसोड शुरू होता है। I think it's this way. Shit. Shoreline. Lena, get down. I see them. तो अब यहाँ से नया एपिसोड शुरू होता है। इसके आगे का मेरे को कुछ नहीं पता है, और साइलेंटली मारना है ना। चलो ठीक है, गोली नहीं चलानी है मेरे को, गलती से भी गोली वाला बटन मैं प्रेस ही नहीं करूंगा, बंदूक निकालनी ही नहीं है, खत्म बात। एक नीचे घूम रहा है, अच्छा पानी के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये पानी से भाग भाग के मैं छुप सकता हूँ। गन उठा लिए लेकिन गोली नहीं चलाऊंगा, आगे काम आएगी ना। एक तो परी बेचारा खड़ा हुआ है, ऐसे छिपने के लिए बहुत ज्यादा जगह दिया है, तो अगर किसी ने देख भी लिया तो भाग के छिपना आसान होगा। आ जा भाई, अरे वापस आ जा यार, जाने लगा, उधर जाके बात करेगा फिर आएगा।
अब उसका इंतजार करो। अच्छा उधर एक आदमी, चलो यहाँ से मैं देख लेता हूँ। बात कर रहे हैं आपस में कि इतने सारे आदमी लोग सिर्फ नेट के लिए, तो वो आदमी जवाब दे रहा है कि अभी तक जो देखा उसे समझ में नहीं आया लल्लू लाल, कितने सारे आदमी भी कम पड़ेंगे नेट के लिए। इधर आजा भाई, इधर आजा, तेरे को पता चले एक आदमी के लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों है। किसी को शक नहीं हुआ, ग्रेनेड भी मैंने ले लिया है, ग्रेनेड भर के चलना अपने पास। नीचे एक बार ना खोज देता हूं, और कोई बचा हुआ है क्या? सामने एक आराम कर रहा, बताओ, ड्यूटी के टाइम आराम करता है, मेरा काम आसान कर रहा है, थैंक यू भाई। इन सबको रखा गया था अलर्ट रहने के लिए, ये देखो अलर्ट लग रहा है कहीं से, गॉगल्स लगा के खड़ा हुआ है, स्टाइल मार रहा है। अब यहां से ऊपर भी जा सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं, आई थिंक यहां से अगर मैं क्लियर करते हुए जाऊं तो ज्यादा सही रहेगा। देखो साइलेंटली करने के लिए भाई पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि एक गलती और देखो सामने भी घूम ही रहा है और कोई ना कोई देख लेगा, फिर भाग के मुझे छुपना पड़ेगा, तो वो टाइम वेस्ट होगा। इतने आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख ही लेगा, क्योंकि मेरा पेशेंस जा रहा है। इसके सामने भी एक आदमी खड़ा हुआ, उधर भी एक आदमी है, ओ भाई साहब, और नीचे भी एक घूम रहा है। इस मिशन में मैं गन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं, क्योंकि गन निकाल के अगर करता तो जल्दी हो जाता मिशन, पर चलो कोई बात नहीं। जा भाई टाटा, वापस भाग के नीचे, किसी ने नहीं देखा ऐसी इसकी लाश यहां पर खुली पड़ी हुई है, तो कोई ना कोई देख ही लेगा। फिलहाल नीचे जो घूम रहा उसको ठिकाने लगाता हूं, नीचे ही था ना। इसके आदमी लोग का कोई पैटर्न नहीं है, वो अचानक से ऊपर भाग भी सकता है, तो ये एक दिक्कत है अनचार्टेड में। जैसे हिटमैन में क्या होता है कि आदमी लोग के पैटर्न रहते हैं, पैटर्न समझ जाओ तो साइलेंटली करना आसान रहता है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है इनका भाई। ये ओ हो, दो बुलेट्स दी, यानी कि ये गन खतरनाक है, ये शोरलाइन की गन है, गोल्डन गन ना, इसमें मैंने देखा है कि उसकी गोली बहुत ज्यादा असरदार रहती है। चलो ठीक है भाई, मैं खोज ही रहा था कि यहां से ऊपर जाने का कुछ तो होना चाहिए। ऐसे आप लोग कॉमेंट करके फिर से बताना कि साइलेंटली ज्यादा करूं, क्योंकि अब बस खत्म होने वाला है। ओ हो, भाई साहब ने देख लिया था, किसी और ने भी देखा है, नीचे आ जा, अपने पार्टनर को देखने आ, किसी ने बोला ना कि वो कहां गया, कुछ तो देखा। येलो मीटर यानी कि शक हुआ है, और ऑरेंज मतलब देख लिया है, उसके बाद फिर भागना पड़ेगा। सामने एक टहल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि ऊपर भी आदमी लोग हैं, तो अगर मैं यहां से जाऊंगा कोई देख नहीं ले, अब जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसे पीछे से भी जा सकता हूं, लेकिन फिर इधर के आदमी लोग छूट जाएंगे, और खास करके एक अकेला बेचारा घूम रहा है। व्हाइट मीटर यानी कि उसको हल्का सा डाउट हुआ है, बहुत लोग का व्हाइट मीटर जल रहा था। चलो ठीक है, गन तो कितनी अच्छी अच्छी मिल रही है, लेकिन यूज ही नहीं करना है, तो फिलहाल कोई काम नहीं है गन का। आगे एक और एरिया, अगर वहां पे पानी से जा सके ना, तो फिर फ्लैंक करके मैं इनके पीछे आ जाऊंगा, तो मारना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी ये लोग मेरे ऊपर है और आगे भी है, तो अभी ऊपर वाले लोग को मारूंगा तो सामने वाले लोग देख लेंगे। कोई तो तरीका बनाया होगा साइलेंटली करने के लिए, इतना कुछ दिया है, यहां से तो जा नहीं सकते, कुछ पकड़ने का भी नहीं दिया। वाह, प्लेन पहाड़ है तो उसको पकड़ के जा नहीं सकता मैं ऊपर, नीचे से भी अंडरग्राउंड वाटर कोई रास्ता नहीं है, तो क्या किया जाए फिर, मतलब कोई ना कोई तो देखेगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा जुगाड़, लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा है, किसी और को जरूर दिख रहा है। व्हाइट मीटर बढ़ रहा था यार, पता नहीं किसने देखा। ये अच्छा है कि पानी के नीचे जाऊंगा तो वो लोग को नजर नहीं आएगा। चलो यहां से तो दिया है, लेकिन ये वहां तक नहीं जा सकता, मैं उछल ही के जाना होगा। अब कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा फिलहाल, तो यहां से उछल ही के जाना होगा और साइलेंटली मारना होगा। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर कोई है, इलीना थोड़ा छुपी के, बहुत आदमी लोग हैं। अब यहां पे मार होने वाला है गंदा वाला। लो, लंबे लंबे घास भी नहीं है, किसी तरह का झाड़ भी नहीं है। ओ हो, यहां से तो नहीं जा सकता, सब देख लेंगे, जिधर झाड़ है उधर ही से जाना होगा, और कोई ऑप्शन। अरे, ओ भाई, no way, imagine that. तू इमेजिन नहीं कर रहा, तेरे को मारूंगा, लेकिन इसके पीछे जस्ट एक और आदमी है, और इसको मैं खींचूंगा तो पीछे वाला आदमी देख लेगा, तो इसके पीछे जो आदमी है ना उसके जाने का वेट करना होगा, वो जो झांक रहा है, इसको खींच लूंगा, देख भी लेगा तो क्या कर लेगा, मैं भाग जाऊंगा, पानी के नीचे चला जाऊंगा भाई, मरने की। अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है नेट, जाना ऊपर भाई, क्या कर रहा है, पुलअप्स क्यों मारने लगा था, देख लिया, किसी और ने भी देखा, उसको शक हो चुका है मैं नीचे चला,
इलीना मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाना वरना बहुत ही गोलियां चलने वाली हैं। भाई साहब देख लिया ना, बहुत गोलियां पड़ेंगी, उधर स्नाइपर भी था मैंने देखा। पानी के अंदर भी ज्यादा देर नहीं रह सकता, ऑक्सीजन मास्क है नहीं, सांस जाने लगी, इससे पहले बहू भी जाए ऊपर आ जाता हूँ। ये म्यूजिक जब तक होते रहेगा। ओ हो, मेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर ही है, देखिए भाई कौन था ऊपर, उनको पता है मेरा एड्रेस। अरे आजा इधर, आजा इधर, आजा, गोली नहीं चलानी है ना मेरे को, उसने देख लिया इधर ही आ रहा है, मेरे ऊपर ही घूम रहा था यार ये। अब तो भागना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं यार, गोलियां मैं बहुत मिस कर रहा हूं, ग्रेनेड भी फेंक रहा है मेरे ऊपर। ऐसे तीन तीन ग्रेनेड मेरे पास भी है, लेकिन इस फालतू आदमी के ऊपर वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक जो वो आर्मर पहन के आता है ना आदमी, वो ज्यादा खतरनाक है, उसको एक बार में मैं साइलेंटली मार भी नहीं सकता, और एटलीस्ट दो ग्रेनेड उसके ऊपर लगेंगे। तो उस टाइप का कोई आदमी रहा तो उस पर यूज किया जाएगा, या अकेले घूम रहा है। भाई देखो जब 10 लोग एक आदमी को मारने आए ना, तो सबको एक साथ रहना चाहिए, अकेले नहीं घूमना चाहिए। चार ग्रेनेड हो गए मेरे पास, लेकिन अभी तक यूज नहीं किया, यूज करूंगा। अरे वाह ये तो अच्छा हुआ मुझे देख लिया, मुझे देखने की वजह से सब इधर आ गए। कॉन्डोर ये गन है, 7 गोलियां यानी कि डेंजरस ही गन होगी, लेकिन वही है कि इस टाइप की गन्स में ज्यादा रेंज ही नहीं रहता है। ये देखो झाड़ के पास घूम रहा, आ जा भाई तेरा तो सन्नाटा है। ये क्या लॉन्चर वाली गन है क्या? ओह भाई साहब 3 लॉन्चर दिए हैं, इन सब के ऊपर यूज नहीं करूंगा मैं, बचा के रखता हूं इन सबको, तो ऐसे ही ठिकाने लगा दूंगा। कम ही आदमी बचे हैं, बस अब मुझे साइलेंटली वहां तक पहुंचना होगा। एक तो, अरे नहीं भाई बहुत आदमी यार, 3, 2, 5 और सब एक साथ घूम रहे हैं, 6 और भी कोई है क्या? 6 तो मेरे को दिखे, ये अकेले अकेले घूम रहा है। नीचे जा, नीचे जा, क्या नालायक आदमी है यार, नीचे भी नहीं जाता है। कुछ तो प्लान बनाना होगा, सब एक साथ क्यों घूम रहे हैं, और वो भी इतना दूर, वहां तक जाने में भी मेरे को दिक्कत होगा। इसको एटलीस्ट यहां से खींच सकता हूं, लेकिन कुछ दिया ही नहीं है, ऊपर जाने का दिया नहीं है, एक ही तरीका, उछल के जाऊंगा तो देख लेगा। वो नीचे आ गया भाई, ओ भाई ये तो मरा। ओ अरे नहीं नहीं नहीं, ये खतरनाक वाला आदमी था, इसके पास आर्मर है इसलिए एक बार में मरा नहीं है, और सबने देख भी लिया इसी की वजह से। इलीना मेरा सजेशन यही है कि जितना जल्दी हो सके भागो यहां से, फेल गेम फैमिली ने चैलेंज दे दिया था, बिना गोली चलाए मारना इतने इतने आदमी को यार। म्यूजिक जब तक ऑन है यानी कि सबको पता है मेरी लोकेशन। ऐसे पानी देके बहुत अच्छा किया, पानी से मैं इधर उधर करूंगा ना तो ये लोग मेरी, हाँ खत्म खत्म, म्यूजिक खत्म हुआ ना, क्योंकि म्यूजिक खत्म होने का मतलब है कि मेरी लोकेशन ये लोग भूल गए। नहीं म्यूजिक खत्म नहीं हुआ है, यानी कि पता है इन लोगों को मैं कहा हूं। देख लिया क्या? टारगेट टारगेट तो बक रहा था, लेकिन देखा कि नहीं देखा पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं देखा, चलो ठीक है। हाँ यही है, यही है नेट, यही है। उसके सामने ही नहीं मारना चाहिए था मुझे, मुझे लगा वो आगे चला गया है। ओके स्नाइपर का रेंज यहां तक आ रहा है, ओह भाई साहब। और बता दे रहा हूं स्नाइपर की एक गोली पड़ी तो शायद सन्नाटा हो सकता है, इसलिए स्नाइपर की गोली खानी ही नहीं है, रिस्क नहीं लेने का है बाबा। चलो एक आदमी तो नीचे ही है, हाँ उधर चेक करते रहो, इधर से आके मैं लपेट लूंगा एक और को। अरे जाना मत यार, रुक जा रुक जा रुक जा, ये खतरनाक वाला आदमी है, ये एक बार में ऐसे भी नहीं मरने वाला है। 2 ग्रेनेड, ग्रेनेड किस दिन काम आएगा, रुक जा वहीं रहा है, एक के बाद एक, बैक टू बैक 2, एक बार में मरा नहीं अभी बचा हुआ था, अब मरा, और स्नाइपर ने देख लिया ग्रेनेड फेंकते हुए देख लिया, भाई और क्या चाहिए फिर। लेकिन ग्रेनेड बहुत सही जगह पे काम आए यार, ये बहुत पेशेंस वाला काम है, सच्ची बता रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, इतनी इतनी गोलियां होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए आप लोग कॉमेंट करके फिर से बताना कि साइलेंटली देखने में आप लोगों को ज्यादा मजा आ रहा है या फिर बूम बाम करूं वो ज्यादा सही है। ऐसे तो मैं कोशिश करता हूं दोनों ही चीजें एक एपिसोड में कर दूं, लेकिन आप लोग कॉमेंट करके बताना, क्योंकि अब ज्यादा बचा नहीं है, आई थिंक ऑलमोस्ट अब खत्म ही होने वाला है, मैक्सिमम 2 या 3 एपिसोड्स और आएंगे।
छह आदमी थे ना, तो तीन को एटलीस्ट मैंने मार दिया, तो तीन और बचे हुए, जिसमें से एक स्नाइपर है, और स्नाइपर वाला अपनी जगह से हिलता नहीं है, बस देखने और कहां कहां पे आदमी है। सामने नजर आ रहा है, स्नाइपर वाले को पहले ठिकाने लगाना होगा। दो ग्रेनेड और बचे हुए ना, अगर मेरे रेंज में रहा ना तो उसी को पहले ठिकाने लगाऊंगा। लॉन्चर वाली गन है लेकिन इनके ऊपर यूज नहीं करूंगा, आगे हो सकता है काम आए जब बूम बाम करूंगा तो लॉन्चर वाली गन इनके ऊपर यूज नहीं करने वाला भाई। ऐसे मैंने गोली चलाने मना किया था, लॉन्चर तो चला ही सकता हूं। ऐसे ये लॉन्चर नहीं है, ग्रेनेड थ्रोअर है, इसके अंदर से भी ग्रेनेड ही फेंकाता है, लेकिन इसको बचा के रखते हैं। भागे जा रहा है, यही है क्या स्नाइपर? ओ भाई दिख गया मनहूस, यही है स्नाइपर वाला। तू तो गया भाई, बड़ा शौक है ना स्नाइपिंग करने का। अच्छा दूसरा भी है, पीछे से कोई जला रहा था बत्ती। और देखते रहे पहले कूलर में बैठ के देख रहा है। अरे यार एक ग्रेनेड वेस्ट हो गया, मरा क्या वो? दो दो स्नाइपर्स थे यहां पे, दिस इज रॉन्ग बोलना चाहिए, मुझे एक लग रहा था। लास्ट टाइम मैंने देखा था तो एक ही स्नाइपर का लेजर आया था मेरे तक, तो इसलिए ये गलत बात है। दो और ज्यादा बचे हैं यहां तक मुझे लग रहा है, दो या मैक्सिमम तीन, जिसमें से एक स्नाइपर है, तो उसको थोड़ा साइलेंटली टेक डाउन करना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो एकदम अलग से बैठा हुआ है जाकर। अगर मैं उछलता भी हूं तो वो तो देख ही लेगा, फिर देख लिया। अरे कितना, ओहो भाई साहब कोई इधर से लॉन्चर भी छोड़ रहा है, बहुत बढ़िया। देखा स्नाइपर और लॉन्चर वाला दो एक साथ बैठा हुआ है उधर तो खतरनाक आदमी लोग की फौज जमा कर रखी है। जिसको सबसे अच्छे हथियार दिए थे ना वो लोग सबसे पीछे रखा है, और जितने भी नल्ले सोल्जर्स थे ना उनको आगे कर दिया था। कुछ तो इंतजाम करना होगा, ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। चलो ठीक है, इस बारी मैं काम तमाम कर दूंगा, अब पीछे नहीं आना है, बस एक बार मेरी लोकेशन भूल जाए। हाँ ठीक है, इलीना ने कंफर्म कर दिया, वो लोग भूल गए कि अपन कहाँ पे हैं। ये 5 मिनट का शायद मिशन होता, ठीक है, पर आई थिंक डबल टाइम लग गया यही साइलेंटली करने के चक्कर में। नेट क्या कर रहा है भाई, उछल के पकड़ना। सामने तो इंतजार कर रहे स्नाइपर प्लस लॉन्चर एक साथ। चलो एक तो अपने रेंज में है, ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं इसको, या ये आएगा सामने, और स्नाइपर वाला भी आगे आ गया। अरे वाह, और क्या चाहिए इसके पास लॉन्च। ओ तीन आदमी है, था तेरी की। अच्छा मैंने फेंका नहीं अपना ग्रेनेड, बस वहीं पे जाना, हिलना नहीं वहां से। पैर के पास बिल्कुल गिरा था, खोजे ही जा रहा है, उधर जाके वो लोग खोजेंगे। दो ही आदमी बचे हैं, एक लॉन्चर और एक स्नाइपर, जहां तक मुझे लग रहा है, और तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अगर और अंदर जाके होंगे तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल यहां दो ही दिख रहे हैं, जिसमें से एक नजदीक आ गया है। सामने से होके जंप करके जा सकता हूं, और रे भाई अभी स्लिप करना था, इतना अच्छा मौका था। वो लोग इधर उधर, अब वो लोग सामने ही देख रहे होंगे, मिस कर दिया, अच्छा मौका मिस कर दिया। देखो दो ही आदमी बचे हैं, मन तो कर रहा है कि दोनों को गोली से उड़ा दूं, लेकिन जब इतने सारे आदमी लोग को साइलेंटली मार ही दिया, गोली का यूज नहीं किया है, तो अभी भी हम लोग यूज नहीं करेंगे गोली का, और इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। ग्रेनेड भी खत्म हो चुके हैं सारे, तो अब तो सामने ही जाके मारना होगा, और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है दो ही आदमी बच गए, अब क्या कर लेंगे? लेकिन स्नाइपर और लॉन्चर है ना, एक स्नाइपर और एक लॉन्चर, दोनों में से कुछ भी एक पड़ा और सन्नाटा हो जाएगा मेरा। दोनों नजर नहीं आ रहे हैं, सामने झाड़ में जाके छुप सकता हूं मैं, वो उधर देख रहा है स्नाइपर। इधर मत देखना, वो कहां है लॉन्चर वाला? किधर है वो? ऊपर घूम रहा है, उसको थोड़ा सा, अरे वो नहीं देख पाएगा, अगर देख भी लेगा तो मैं भाग जाऊंगा। आखिरी बचा है लॉन्चर, उठा लेना चाहिए क्या मेरे को? स्नाइपर ले लिया मैंने, 12 गोलियां इसमें, लेकिन लॉन्चर का मतलब है गारंटी 2-3 आदमी निपट जाएंगे। उसको थोड़ा सा शक हुआ, भाई थोड़ा इधर आ जाना, जब शक हुआ है तो पूरा ही इधर आ जा, या मैं घूम के आता हूं इसके पास। बस झाड़ के पास आ जा, लास्ट आदमी है, अब मर जा, चल खत्म। फाइनली सारे आदमी लोग खत्म हो गए भाई। Jesus, that's it. You okay? Yeah. Let's push on. भाई 15-20 मिनट लग गया सारे लोगों को सन्नाटा करने में, चलो कोई बात नहीं, वर्थ इट,
गोली नहीं चलाई मैंने आखिरकार। मुझे पड़ी बहुत गोलियां लेकिन मैंने गोलियां नहीं चलाई। अब सैम के पास चलते हैं, यानी कि हेनरी एवरी के घर में। Yeah, it's worth a look. यहीं से आगे जाने का रास्ता होगा। पानी से होके जाता है क्या रास्ता? यहाँ तो कोई रास्ता नहीं। ओ नीचे है, मैंने लाइट आते हुए देखी थी नीचे से। सैम को बस रेफ मार नहीं दे यार। अच्छा खासा गेम है, दोनों भाइयों पे गेम है, कोई मरना नहीं चाहिए। क्योंकि जब इतनी अच्छी स्टोरी लाइन होती है ना तो किसी ना किसी को मार देते हैं ये लोग, तो ये काम मत करना। सही जा रहा हूं ना मैं? रोशनी तो आते हुए दिख रही है यहां से। इलीना कुछ बात करते रहो जिससे पता चलते रहे कि सही जा रहा हूं मैं। रास्ता बना के दिया तो लग रहा है कि सही जा रहा हूं। हाँ घर के करीब पहुंच रहे हम लोग। घर के अंदर जाके अब तो बूम बाम होने वाला है क्योंकि रेफ और नेडीन रोज की पूरी आर्मी होने वाली है वहां पे। और रेफ तो रह गई और नेडीन रोज याद है ना कितना पीटती है। इलीना थोड़ा जल्दी आ जाओ, घर को देखेंगे दोनों मिलके। Crap. How many people did you bring here, Nadine? She does have an entire army. You think they found the treasure? Well, let's hope not. For Sam's sake. तो नेडीन रोज पूरी आर्मी लेके आई है, ट्रक भर भर के आदमी लोग आए हैं और नेट उम्मीद कर रहे हैं कि रेफ को खजाना नहीं मिला हो, क्योंकि अगर उसको खजाना मिल गया तो वो सैम को मार देगा। Look, something here. It's addressed to Richard Watt. Signed Adam Baldridge. तो एडम भी आपको याद ही होगा कि पायरेट थे और वन ऑफ द फाउंडर्स थे लिबर्टालिया के। They were both founders? सिर्फ हेनरी एवरी का नहीं बल्कि 11 और पायरेट्स का खजाना है यहाँ पे, जिन 12 पायरेट्स ने मिलके ये जगह बनाई है। पायरेट्स का हेवन जिसका नाम रखा है इन्होंने लिबर्टालिया। कुछ सामान चाहिए यहाँ पे रख के ऊपर जाने के लिए, बूस्ट भी नहीं करवा सकते तो चलो एक बॉक्स ढूंढना होगा अपने को। ऊपर में मेरे को एक बॉक्स दिखा लेकिन उधर जाऊं कैसे? ये तो पानी इधर बह रहा है, पानी का करंट इधर है, ठीक है इसको खींचना होगा, खींच के ऊपर तक जाना होगा क्योंकि ये मुझे बहा दे रहा है पानी उधर। अच्छा ऊपर फंसाने का दिया है, बॉक्स को वहां तक ले। अच्छा पानी बह रहा है ना तो बॉक्स को नीचे धक्का मार दूंगा और बॉक्स पानी के साथ साथ एंड तक पहुंच जाएगा जहां लेके जाना है। चलो ठीक है इसको नीचे गिराने का है। इसके साथ साथ मैं भी पहुंच जाता हूं भाई जहां पहुंचना है अपने को, मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी, पानी उधर ही ले जा रहा है। अब बॉक्स को बाहर खींच के लाना होगा। कम टू पापा। पापा के पास आ जा। ठीक है एक छोटी सी चीज करने के लिए देखते हो ना कितना दिमाग खर्चा करवा देते हैं। चला जाए आगे, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है, ये बॉक्स छोड़ क्यों नहीं रहा है? After you. Oh, how sweet. You want me to be your decoy? No. I was being gentlemanly there. Just busting your chops. Yeah, well the chops are plenty busted already. Thank you. तो नेट बेचारा बोल रहा था जाओ पहले लेडीज फर्स्ट, तो इलीना बोली ओ पहले तुम जानबूझ के मेरे को भेजो ताकि गोली पहले मुझे पड़े, लेकिन मजाक कर रही थी इलीना। टूटा, बस अभी तक मैं वेट ही कर रहा था ये कुछ टूटा क्यों नहीं। नजरें खुली रखनी, कभी भी नीचे आके मर सकता हूं मैं। जिंदा हूं, जिंदा हूं भाई। That wasn't too bad. You okay? Yeah. I'm fine. You? यहां से आगे जाने कुछ मेरे को नजर नहीं आ रहा, पानी भी उधर बह जा रहा है, वहां तो डेड एंड है। इलीना से बात करना है। Wet again, tired, bruised. Oh, hungry. I could eat. Other than that, fine. Yeah. Okay, come on. Let's keep going. तो ज़्यादा नहीं, चोट लगी हुई है, भूख लग रहा है नेट को, कुछ खाने का दिल कर रहा है, बाकी ठीक है लड़का। उधर तो नहीं जाना है क्योंकि पानी इधर ही जा रहा है, तो फिर देखते हैं उधर भी डोर बंद है, तो इस सामने वाले घर में घुसने का कुछ है क्या? इसको पकड़ सकता हूँ क्या? उछल गया। इलीना अंडरग्राउंड से भी कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ झाड़ी है ऊपर नहीं जा सकता हूँ मैं, मतलब ऐसे कहीं भी पकड़ लेता है नेट।
लेकिन अभी जहां पकड़ना चाहिए वहां नहीं पकड़ रहा है। वाह, सामने से रास्ता तो दिख रहा है मेरे को। तो आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि सैम ने झूठ क्यों बोला था। तो सैम ने इसलिए झूठ बोला था ताकि ये लोग दोनों खजाना ढूंढे, और जो इनकी मॉम ने रिसर्च आधे पे छोड़ दिया था हेनरी एवरी का, तो खजाना ढूंढ के सैम अपनी मॉम का रिसर्च पूरा करना चाहता है। You think the colonists flooded this place? Well, they definitely had the motivation. But you don't think it's them? I just find it odd that all these houses are underwater except for one. Avery's. Exactly. नेट को भी अजीब लग रहा है कि सारे घर डूबे हुए एक हेनरी एवरी का घर को छोड़ के। तो किसने ये डैम फोड़ा होगा? शायद कॉलोनिस्ट लोग ने। सामने कुछ रखा हुआ है, तोता। It's beautiful. अच्छा, इसको पॉकेट में रखने का ऑप्शन नहीं है, इसे कुछ करना है क्या? कोई दरवाजा तो नहीं खुलेगा इससे? नहीं, फिलहाल तो मुझे सामने से दिख रहा है जाने का। इलीना, फॉलो मी। इलीना आती है ना तो मुझे लगता है कि मैं सही जा रहा हूं। ऐसे इधर से तो चढ़ने का दिख ही रहा है। ये न्यू डेवन्स ना लास्ट लोकेशन है, और मुझे लगता है कि यहीं पे खजाना मिलेगा या नहीं भी मिलेगा तो यहीं पे गेम खत्म होने वाला है। लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरी कॉलोनी डूबने लगेगी और भागना होगा अपने को। Hey, check it out. These cannons look like they were retrofitted. Yeah, improvised defenses. Guess they didn't expect they'd be fighting each other. Guess not. 300 साल पुराना कैनन है। इन सबको नहीं लगा था कि ये लोग आपस में ही फाइट करेंगे, लेकिन पैसे का चक्कर बाबू भैया, अच्छे अच्छे को लड़वा दे। अंदर जाने का तो रास्ता दिख रहा है, लेकिन एक बार मैं आगे भी देख लेता हूँ। इलीना पता नहीं यहाँ पे क्यों देख रही है। डोर बंद है इलीना। इतने इतने कैनन्स रखे हुए हैं। ठीक है, एक रास्ता बस अंदर ही जाने का दिख रहा है मेरे को। इलीना आ जाओ अंदर, फिर चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है। जब इतने शांति से अनचार्टेड में काम करने देना, उसके बाद समझ लो कि बहुत ही कुछ भयंकर होने वाला है। Ooh, nice water feature. Time for another swim, I guess. एक और डुबकी लेनी होगी। नेट सूखता नहीं है फिर गीला हो जाता है। Whoa, whoa. Stronger than it looks. पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, वहां तक नहीं जा सकता मैं। Hey Nate, over there, that looks like an exit. Right you are. एग्जिट तो है, लेकिन वहां तक जाए कैसे? सामने पकड़ने का दिया है, लेकिन वहां तैर के तो जा नहीं सकते। अच्छा, साइड में जाने का दिया है, ठीक है। बहते हुए बस मुझे वहां पकड़ लेना है। इधर से कोई रास्ता है नहीं। तैरते हुए मुझे बस साइड में हो जाना है। पानी पीछे फेंकेगा तो मुझे साइड में जाके कॉर्नर में पकड़ लेना है, ठीक है। यहां तक मुझे लग रहा है। अरे पकड़ नहीं पाया यार, थोड़ा और आगे जाके कूदना होगा, मैं समझ गया, ताकि थोड़ा सा और टाइम रहे मेरे पास और मैं साइड में आ सकूं। सही कर रहा हूं ना, वरना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। इलीना कुछ आइडिया दे दो, ऐसे लग तो रहा है यही करना ही चाहिए। ठीक है नेट, पता है, पकड़ लेना इस बारी। अरे पकड़ भाई, हाँ यही करना था। अरे ये तो नीचे चला जाएगा, कुछ सामान रखना होगा। लेकिन अब ओ इलीना आ रही। इलीना अगर खड़ी हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा उधर। इलीना थोड़ा सा हेल्प। इलीना के, अरे खड़ी हो ना इलीना, ये नीचे चला जाएगा। इलीना मैं सामने जंप कर सकता हूँ, लेकिन इलीना खड़ी नहीं हो रही। वाह इलीना, पहले ही कर देती, मतलब मेरा गिरना जरूरी था क्या इसके लिए? चलो ठीक है, थैंक यू। अब सेम काम इधर से भी करना होगा। थैंक यू, यू मेक अ ग्रेट काउंटरवेट। आई मीन As well you should. जो पहले किया वही सेम काम करना है तुरंत। पकड़ नहीं पाया फिर स्टार्टिंग से करना होगा। Swallow some water. पानी थोड़ा सा पेट में चलेगी, कोई बात नहीं। अब इलीना को कैसे लेके आऊं? इलीना तो उस पे खड़ी भी है। अब इलीना अकेले जा नहीं सकती है। I made it. I'll find a way up for you. इलीना के लिए रास्ता ढूंढना होगा। मुझे दिख गया एक बॉक्स, उसको पकड़ के इलीना ऊपर आ सकती है। This should work. All right, stand clear. चलो आ जाओ इलीना, क्योंकि आगे जाने का रास्ता मुझे मिल गया है। अच्छा, अनचार्टेड के पुराने गेम्स में भी कोई ना कोई कंपेनियन साथ में रहता है या फिर अकेले खेलना पड़ता था? ये तो पता चलेगा जब हम लोग पुराने अनचार्टेड की गेम्स खेलेंगे, जो कि हम लोग खेलेंगे इसके बाद। Let's move this out of the way. इलीना थोड़ी सी हेल्प, इसको हटाने का है। काफी ज्यादा मेहनत, उंगलियों की बैंड बजी रही है मेरी। सर पे मत गिर जाना मेरे, बस
Okay. ये पेंटिंग देख रहे हो, फाउंडर्स की पेंटिंग है क्या बगल में, लेफ्ट साइड में? Hey, look. Thomas II's sigil. So we're in his mansion. Second in command. Going up the pirate hierarchy. Okay, Thomas II के घर में पहुंच गए हम लोग, जो कि पायरेट हेनरी का खास आदमी था. ओ भाई साहब. Good lord. सारे फाउंडर्स की लाश. Looks like we found the party. जितने फाउंडर्स थे. Looks like we're a little late. पायरेट हेनरी की भी लाश है क्या यहाँ पे? सब डाइनिंग टेबल पे क्यों मरे हैं? Hey, Nate. Check it out. It's another sigil. एक और पायरेट का सिजिल है, ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले. Oh my god. What? सारे फाउंडर्स हैं. It's them. Elena, these other pirate captains have founded Libertalia. 12 में से 10 पायरेट्स की लाश यहीं पे है. What happened here? Well, I'm no forensics expert, but I would say bad drinks. अच्छा, पॉइजन देके मारा गया इन सब फाउंडर्स को. Apparently. So what was this? Some kind of wealthy pirate suicide cult? Yeah, not likely. Not these guys. Suicide तो नहीं किया है, इनको मारा गया है. Pirate Henry ने तो बाकी सबके साथ कांड नहीं कर दिया. On behalf of Lord Avery, I invite you to my manor at sundown tomorrow. The time has come to abandon our animosities and reunite under the banner of God and liberty. Signed Thomas II. थॉमस टू ने इन सबको बुलाया था, यानी कि हेनरी एवरी के साथ मिलके भाई कांड किया है, क्योंकि दो लाश ऐसे भी मिसिंग है यहाँ से. What do you bet? बाकी के जो 10 पायरेट कैप्टन्स थे उनको जहर देके मार दिया. थॉमस टू, हेनरी एवरी. देखा, दोनों मिसिंग है. Looks like our hosts didn't stick around to clean up their mess. Well, that wasn't very gracious of them. दोनों ने मिलके कांड किया पक्का. Okay, so these guys sparked a full-scale revolt when they claimed the treasure for themselves. Now, they took care of the colonists, but then they had to deal with each other. And I'm guessing things got pretty messy. So, Avery and Two invite them up here to, abandon our animosities. Abandon the animosities. Avery makes a grand toast. For God and liberty! Arg, ahoy, mateys, all that. And they all take a swig. तो 10 फाउंडर्स को चलाकी से हेनरी एवरी और थॉमस टू ने निपटा दिया है. And just like that, all the treasure of Libertalia becomes the sole possession of two men. इतना सारा खजाना सिर्फ दो आदमी लोग का, थॉमस टू और हेनरी एवरी. These are some of history's greatest pirates, and they all perished in an instant at this very table. एक चुटकी में सारे पायरेट्स खत्म, जो कि इतिहास के बहुत मशहूर पायरेट्स थे. It's incredible. Yeah. I'm sorry. इलीना देख रही है कि कुछ ज्यादा ही नेट घुसते जा रहा है अंदर. It's okay. नेट को ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद है, कितना भी नेट ये सब छोड़ना चाहे लेकिन छोड़ नहीं पाता है. So, since our missing hosts aren't here at Two's Manor, we should head over to Avery's. Yeah. तो थॉमस टू और एवरी यहाँ पे नहीं है. Let's go. यानी कि थॉमस टू और हेनरी एवरी की लाश यहाँ नहीं है. पक्का वो लोग हेनरी एवरी के घर पे गए होंगे और खजाने के आगे का क्लू वहीं पे मिलेगा. तो अभी अपने को वहीं जाना होगा. 10 पायरेट्स मरे हुए हैं यहाँ पे, एक नीचे गिरा हुआ है. There. For posterity. ये किया क्या? कुछ तो लिखा नेट ने. ड्रॉइंग बना लिया इतना जल्दी, वाह. ऑनर अमंग थीव्स. तो 12 फाउंडर्स ने मिलकर लिबर्टालिया बनाया था. पहले कॉलोनिस्ट लोग का सारा खजाना लूट लिया, उसके बाद न्यू डेवन्स में, यानी कि यहाँ पे 10 फाउंडर्स को मार के हेनरी और ट्यू ने सारा खजाना खुद के लिए हड़प लिया है. Hey, up here, slowly. तो जहाँ सैम और रिफ गए, यानी कि हेनरी एवरी के घर, वहां पे खजाना हो सकता है. ये क्या हुआ? I'm okay. ठीक है, इलीना ऊपर मिलेगी. तो पायरेट हेनरी ने बहुत लोगों को भाई गधा बनाया, सबको यहाँ बुलाया और सबका खजाना लूट लिया, और इसमें उसका साथ दिया भाई थॉमस ट्यू ने. Hey,
Hi. दोनों एक दूसरे को है आई कर रहे हैं. मैं पहले. वो गैंग्स ऑफ वसीपुर में नहीं करता. हम फर्स्ट. इलीना. अच्छा एक और कैनन मेरे को नजर आया. अंदर जाने का रास्ता भी है लेकिन पहले वहां चेक करते हैं. That shoreline truck is still there. More cannons, just like a two's mansion. I guess the poison is mightier than the cannon. What? You know, because he ended up poisoning. Yeah, it was bad. Sorry? Yeah, pretty bad. Elena सड़े हुए जोक सुना रही है. चलो अंदर चलते हैं. And we are officially inside Henry Avery's house. तो ये है पायरेट हेनरी एवरी का घर जिनका नाम हम लोग स्टार्टिंग से सुनते हुए आ रहे हैं लेकिन आखिरकार घर में पहुंच गए. खजाना यहाँ पे रखा होगा. ना 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 मुझे नहीं लग रहा है. कहीं तो कुछ सीक्रेट लोकेशन में छुपा के रखा होगा. ये इसको अरे ये सामने जंप करना चाहिए. तो भाई हेनरी एवरी ओपी पहनाई बाकी सबको टोपी. Word of the day, ostentatious. So why didn't he kill Thomas too? Was he like his right-hand man? Yeah, that's exactly what he was. Can you imagine taking orders from a paranoid psychopath? This sounds like my first job. तो हेनरी एवरी का एकदम राइट हैंड मैन था थॉमस ट्यू. इसलिए थॉमस ट्यू को नहीं मारा वरना थॉमस ट्यू को भी मार ही देता हेनरी एवरी. तो उसके साथ मिलके कांड किया है. सारे पायरेट्स को ठिकाने लगा दिया जितने भी पायरेट्स कैप्टन थे और सबका खजाना लूट लिया. तो डैम तो यानी कि हेनरी एवरी और थॉमस ट्यू ने ही तोड़ा होगा ताकि सबका घर डूब जाए. लेकिन इससे क्या मिला समझ में नहीं आया. तो हो सकता है आगे जाके रिवील हो. ऐसे इसी घर के बाहर शोरलाइन का ट्रक खड़ा हुआ था. सैम भी इसी घर के अंदर गए थे रिफ के साथ. Look, shoreline barricaded the front door. And left a bunch of muddy footprints behind. Let's see where they went. Shoreline ने फ्रंट डोर को बंद कर दिया है और फुटप्रिंट जा रहे हैं. अब देखना है कि कहां जा रहा है ये पैरों के निशान. Footprints. ना भाई ये गन ज्यादा अच्छी है. Bingo. So where are the shoreline guys? I know, right? I expected to see someone by now. Yeah, it's like they all up and vanished. You don't suppose they're pirate ghosts? Don't even joke about that. Pirates तो की आत्मा के पैर तो नहीं है ये सब. लीना को डर लग रहा था. ऐसे डर तो मुझे भी लग रहा. मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ. भाई भूत ही आना बस बच गया इस गेम में. बाकी सब कुछ हो चुका है. हेनरी एवरी का घोस्ट आ गया यार. खतरनाक ट्विस्ट ले लेगा गेम. नहीं या थॉमस ट्यू का. दोनों में से किसी एक का. शोरलाइन के आदमी लोग ऐसे हैं कहाँ. ये पैर के निशान यहाँ जाके खत्म हो गए थे. नीचे भी हैं ऐसे. Hey, here we go. इधर जा रहे पैरों के निशान. इस डोर के अंदर. Footprints go through this door. इसके अंदर कुछ है. गन तान के खड़े होंगे सब कोई. ऐसा लग रहा मेरे को. Crap, it's blocked from the other side. Why bother barricading their path unless they found something? All right, help me push this open. दरवाजा बंद इसीलिए किया. लगता है कुछ मिल गया उन लोगों को. अब इसको तोड़ के अंदर जाना है. बस वो गोली चलने लगी. अब तो बूम बाम होगा भाई. और कोई ऑप्शन नहीं हो भाई साहब. ये टर्मिनेटर कहां से आ गया भाई. ये फर्स्ट टाइम आ रहा है. खतरनाक गन प्लस आर्मर भी उसके पास डेंजर है. अच्छे टाइम के लिए भाई ये लॉन्चर बचा के रखा था. उसको अभी भी कुछ नहीं हुआ है. वो तो बढ़ ही जा रहा है. वो टर्मिनेटर बढ़ा गया. अभी भी कुछ नहीं हुआ. अच्छा उसका हेलमेट टूट गया है. अब मरेगा. मर गया क्या. हाँ मर गया मर गया. दो दो स्नाइपर्स है. उसके अलावा और भी आदमी लोग हैं तो इसमें साइलेंटली तो कर नहीं सकते. ले भाई स्नाइपर. एक स्नाइपर गया आई थिंक. नहीं बचा हुआ है. हाँ मुझे पता है इलीना. अभी और लोग आए जा रहे हैं. बस वो टर्मिनेटर जैसा आदमी नहीं आया क्योंकि गोला मेरे पास सिर्फ दो ही बचा है. मैं तेरे पर गोला वेस्ट नहीं करूंगा. मनुष्य परेशान कर दिया है. ओ भाई चलो ठीक है. साइलेंटली करने से ज्यादा सही है. जल्दी खत्म हो जाएगा. इलीना साइड में प्लीज. एक गोला बचा है सिर्फ. को मारा ही लीना ने ऊपर में. उसकी गन उठा सकता हूं. इसमें भी दो ही गोली. ओ भाई डेंजर गन थी लेकिन गोली वेस्ट हो गई. अब तो सामने जाके मारता होगा. और कोई ऑप्शन भी नहीं है. ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है यानी मेरे मरने का टाइम हो गया. भागो यहां से.
चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। यूजी में 100 गोलियां हैं। स्नाइपर एकदम तान के बैठा हो मेरे ऊपर। जैसे मैं उठूंगा मार देगा, लेकिन अब रिस्क तो लेना ही होगा। हिली ना, कवर में रहो, कवर में रहो। अरे तू यहां से खड़ा होकर मार रहा था क्या फालतू आदमी? ओ भाई साहब, गलत टाइम पे मैगजीन चेंज किया है। या तो अब ये मरेगा या मैं मरूंगा। रन एंड गनर। क्या खतरनाक टाइम पे ट्रॉफी मिली है। दोनों का एक एक ब्लड बचा होगा। इलीना एटलीस्ट स्टेयर पे देखते रहो, कोई आते रहेंगे तो उसको गोली मारना। इलीना अच्छी गन क्यों नहीं उठा रही है? ग्रेनेड फेंका, जैन से कहीं बैठने भी नहीं देते। एक स्नाइपर वाले को निपटा दो ना बस, फिर ये लोग को मारना उतना हार्ड नहीं होगा। ये स्नाइपर वाला टेंशन दे रहा है। कहां भागा? अभी तो उधर ही से देख रहा था ना। मेरे पीछे ही है। पहले भाग के उधर जाना होगा, मुझे उससे डिस्टेंस बनाना होगा। उधर और कोई नहीं है ना? नहीं, इधर ही छुप के रह तू। स्नाइपर, स्नाइपर के साथ दो तीन आदमी लोग हमेशा रहते हैं उसको बचाने के लिए। अब बताता हूं, उधर ही है ना। इसके मुंह पे ग्रेनेड फेंकता हूं, यहीं खड़ा रहेगा ये। अरे ये कहां से आया? क्या मस्त पंच मारा है लीना ने। ले भाई, ये लोग अच्छे आदमी यार, ग्रेनेड देखेंगे भागेंगे नहीं। एक और बच गया, उसको उछलते हुए देखा था मैंने। और तू नीचे कोई नहीं है? नहीं, अकेला बच गया यार। तू अब अकेला क्या करेगा? आर्मर भी नहीं है तेरे पास। छल्ली छल्ली कर दो इसको, खत्म। आई थिंक खत्म हो गया। हाँ, Jesus. You all right? Yeah. They were just waiting to ambush us. Yeah. All right, let's get that door open. See what they didn't want us to find. ये लोग नेट के आने का बस इंतजार ही कर रहे थे कि नेट और इलीना जैसी आए, ये लोग पूरे पावर के साथ अटैक कर दिया इन लोगों ने। तो चलो वो डोर खोल के देखते हैं कि वहां पे क्या था ऐसा जो ये लोग देखना नहीं देना चाहते हैं। आ जाओ इलीना, गन ऐसे छाट लेता हूँ भाई मैं, बहुत ही आदमी लोग आ रहे हैं। ये मस्त गन, एक बार तो चला के देखना बनता है। इसको रख नहीं सकता हूं मैं, सिर्फ 40 ही गोली थी, मनुष ने सारी गोली चला दी। झूमर हिला दिया, इसको रख नहीं सकता हूं मैं। मतलब अपनी जो गन है उसके साथ उठा सकता हूं, लेकिन वही है कि इसको लेके सिर्फ धीरे धीरे चलना पड़ेगा। लेकिन मस्त गन है। आगे भी मुझे लग रहा है कि अब ये ऐसा आदमी एक बार आ गया ना, तो आगे 3-4-5 एक साथ आ जाएंगे। फिलहाल अभी गोले वाली गन काम आ जाएगी आगे। इलीना चलो, डोर तो खुल ही गया था, एक पुश और। ओके, हियर वी गो, यू रेडी? एक और बार। लाश की गोदी में जाके बैठ गया। हेनरी एवरी है क्या? इट्स अ लेटर साइंड बाय एवरी। रियली? रीड इट। माय लॉयल सब्जेक्ट्स, एज द सन सेट्स ऑन आवर ग्लोरियस पैराडाइस, वी मस्ट एंडेवर टू प्रिजर्व इट्स रिचेस। द ट्रेडरस टू नोज आवर सीक्रेट्स, सो वी मस्ट एक्ट क्विकली, डिस्ट्रॉय द डैम, cleanse New Devon. Here we go. And move my treasure through the passage to my ship. Are two and Avery turned on each other. Are you really surprised? I guess not. Here you go. तो पायरेट हेनरी ने तोड़वाया था डैम। Thanks. ट्यू पे भी उसको शक हो गया कि ट्यू शायद उसको धोखा देने वाला है, तो इसलिए डैम तोड़ के Let's go find that passage. न्यू डेवन्स को साफ करना चाहता था, तो साफ कर दिया। तो जितना खजाना था पायरेट हेनरी ने अपना एक सीक्रेट पैसेज से अपने शिप पे पहुंचा दिया। तो अपने को खोजना है कि वो खुफिया रास्ता है कहां। यहां पूरा मतलब सीआईडी वाला दिमाग लगाना होगा खुफिया रास्ता ढूंढने के लिए। There's no more footprints. They end here. Okay, so where did they go? Pirate ghosts. Let's look this around. This is amazing. What have you got there? It's a copy of the British proclamation to apprehend Avery. Seems like he was proud of being the most wanted man in the world. तो पायरेट हेनरी के खिलाफ जो मतलब वारंट निकला होगा, ब्रिटिश ने निकाला था कि मोस्ट वांटेड आदमी था पायरेट हेनरी अपने टाइम का, तो उसको फ्रेम करवा के रखा पायरेट हेनरी ने अपने रूम के अंदर। प्राउड फील करता होगा कि मैं मोस्ट वांटेड आदमी हूं पूरी दुनिया में। यही थे पायरेट हेनरी भाई साहब, लग तो रहा है कि यही थे।
अच्छा शोर लाइन के आदमी लोग के फुटप्रिंट यहीं पे खत्म होते हैं, यानी कि शोर लाइन के आदमी यहीं से कहीं कोई खुफिया रास्ता से गए, लेकिन कहां? कुछ सर्च करने का दे रहा है क्या है? Sam's lighter. Sam का लाइटर है. Did he drop it? Yeah, on purpose. Whatever it is we're looking for has to be somewhere around here. There's got to be another way out of this room. Maybe that passage Avery mentioned in the letter. But where's the switch? Sam ने जानबूझ के लाइटर गिराया था यहाँ पे. यहीं पे कुछ होना चाहिए. Yeah. Did you find something? I think so. मिल गया. इलीना को कैसे पता था? Good thing they figured that out for us. How'd you do that? There's a bloody fingerprint right here where Libertalia should be, and I pushed it. Nicely done. ग्लोब पे खून का निशान लगा हुआ था. सैम ने लगाया होगा. So the letter said that Avery was moving his treasure to the ship. Yeah. Do you think the treasure's still on there? I think it doesn't matter anymore. नेट को अब खजाने से मतलब नहीं है. Here we go. खजाना को मूव कर रहा था पायरेट हेनरी, तो यहीं पे होना चाहिए जहां तक लग रहा है. भाई प्लीज होना, एटलीस्ट नजर आ जाए खजाना, कि किस खजाने की बात हो रही, कैसा था खजाना. Watch your head. Yeah. Oh, looks like Avery built himself a panic cave. Yeah, I wonder where this goes. बंद भी हो गया, बढ़िया. Guess we're gonna find out. This place doesn't look very stable. नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, एवरीज डिसेंट. थॉमस ट्यू के डर से पायरेट हेनरी ने अपना खजाना अपने आदमी के जरिए यहीं से भेजा होगा Even. उसके शिप तक, तो ये रास्ता उसके शिप ही तक जाता होगा जहां तक मुझे लग रहा है. Look, fresh footprints. They must have come this way. That's a lot of footprints. Let's take this slow. मेरा Crap. ये क्या है? मुझे अपना कंट्रोलर शेक करना है, ठीक है? Okay. ये क्या नया था? मेरा लाइट क्यों ऑफ कर दिया था? ये पहली बार हुआ ऐसा? शोरलाइन के आदमी लोग के फुटप्रिंट ही धरी से जा रहे हैं. My money's on Nadine's men. They'll use any excuse to use dynamite. It'd have to be pretty dumb to use it in here. Yeah, they're pretty dumb. शोरलाइन के बेवकूफ आदमी लोग यहाँ पर भी डायनामाइट यूज किए जा रहे हैं. Whoa, whoa, hold up. क्या हो गया? So. Some kind of death trap. Oh, boy. Yeah. But Sam and the others somehow made it across. We just gotta follow their lead. गलत जगह अगर पैर रखा तो गया. तो शोर लाइन का पैर जहाँ पे है, वहीं से होके जाना है. पैरों के निशान को फॉलो करना है. Wouldn't be so bad if it didn't creak so much. Just don't go where the footsteps aren't. What? Just a little preoccupied with not blowing up right now. And unclench. Whew. Lena, look. ये रास्ता तो बंद है. Footprints stop here. They must have made it through and it collapsed behind them. अच्छा. Hey, just gonna move this out of the way here. Yeah. Shoreline के आदमी लोग आगे बढ़ गए होंगे और ये पीछे गिर गया होगा. जाना ही धरी से, लेकिन अपने को. और बंद हो गया. वाह. To find another way. ये रास्ता तो बंद हो गया है. कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जाने के लिए. Oh no. Just hold on a little longer. अरे नहीं, पूरा अंधेरा कर दिया. कंट्रोलर शेक करना है, ठीक है. Come on. ऑन नहीं हो रहा है. Damn it. लाइट गई मेरी. Hey, you still have Sam's lighter? Yes. सैम का लाइटर. चलो ठीक है. ये लाइटर जलाई और ये बत्ती. Come on. बत्ती. Come on. अरे ये जल क्यों नहीं रहा है? Of course he used it all up. Smoked like a goddamn chimney on the boat right over. Relax. I brought some matches. You did? Of course. इलीना के पास matches हैं. There we go. सैम का लाइटर काम नहीं आया. इतना सिगरेट पीता है ना सैम. खत्म कर दिया लाइटर का पूरा गैस. Oh, sorry. Just one sec. Oh, that's my head. का टकरा रहा है नेट. Hello? Over here. किधर? मैं आवाज सुन के फॉलो करना होगा. इलीना कुछ नजर नहीं आ रहा है. Ah, tripped. Over here. इलीना के हाथ में मशाल है. वाह. Thanks. Glad you came prepared. Somebody had to. Come on, let's find a way forward. Nice romantic lighting, huh? You have a funny idea of romantic. Yes, I do.
नेट को काफी रोमांटिक लग रहा है ये सब. बढ़िया. Hey, this looks promising. Boost you up? Yeah. Come on. Okay. ये सिर्फ मशाल की वजह से पूरी लोकेशन चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं लग रहा है कोई दूसरा गेम खेल रहा है. Come on up. Okay. Thanks. आग नहीं लगा दूं गलती से मैं यहाँ पे. Watch your head. Yeah. इलीना आते रहो. ये दो रास्ता गया. अच्छा एक ही है. दोनों रास्ते एक ही जगह जा रहा है. शोरलाइन, सैम रेफ सब इसी के अंदर है. यहीं पे मिलने चाहिए सब. ये क्या है? What the hell is this? हाथ. This is creepy. सब हाथ है. That stole from me. Wow, Avery's not even pretending to be sane at this point. I don't like this place. Me either. Let's get out of here. पायरेट हेनरी बावला हो गया था. जिन जिन हाथों ने उससे चोरी की सबके हाथ काट के लटका दिए. सबके कंकाल जम गए. वाह. Dead end. इतने इतने हाथ सजा के रखे हैं हेनरी ने. अभी आगे आगे देखो और क्या क्या मिलता है. अभी तो हाथ मिले हैं. डायनामाइट, शोरलाइन. Hey, look. Avery had some gibbets left over. Gibbets. What? It's pronounced gibbets. Are you sure? Yeah. Well, no one likes to know it all. Gibbets. मार के लटका के यहाँ पर भी लोगों को रखा है हेनरी ने. चलो रोशनी तो आ रही इधर से. ये तो वहीं आ गया मैं. यहाँ नहीं आना है. ये रास्ता बंद है. एक और रास्ता गया हुआ है. सब जगह तो एक जैसी नजर आ रही है. इधर भी बंद है. हेनरी के शौक सब देख रहे हो क्या क्या कलेक्शन करके रखता है. Wait, is that a mummy? ये क्या? The mummy? ओ भाई. ओ ये क्या हो रहा है? ये फटने वाले थे. ओ भाई ये फटे कैसे? शोरलाइन ने कांड किया है. Okay? I think so. What was that? Trap. Avery really didn't want any trespassers down here. ट्रैप लगा के रखा है हेनरी ने. Watch your step. Me, you're the one that stepped on it. Fine. ये फटते मम्मी. ओके. रोल करके बचते रहो. भरे में ऐसे मम्मीज आगे. So far so good. Maybe I just stay a little ways back. भागना है थोड़ा जल्दी. ठीक है. फटना चालू. भाग. You okay? Yeah. Well, now we know what caused the explosion part earlier. No wonder so many parts of this passage have caved in. शोरलाइन वाले लोग धमाका नहीं कर रहे थे. यही सब मम्मीज फट रहे होंगे वो लोग जब पास कर रहे होंगे. तो इतने भी बेवकूफ नहीं है शोरलाइन के आदमी. ये जगह तो बंद है. I found a shortcut. How do you know it's a shortcut? Trying to be optimistic here. ऐसा लग रहा है बैट केव है. चमगादड़ भी देखा मैंने अभी. इलीना सही आया ना हम लोग. तू तो छोड़ के नहीं ना आ गए ऊपर. अब ये क्या है? Avery's decorated this chamber too. More human mobiles. जिनके दिल मेरे लिए कड़े हो गए. भाई ये डेकोरेशन करके रखा है हेनरी एवरी ने. बहुत बढ़िया. यहाँ कुछ फटने वाला है क्या? Damn it, more mummies. Don't explode, okay? Just careful. नेट बोलते हुए जा रहा. फटना मत, फटेगा. ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया. भाग जल्दी. अभी भी बचा हुआ है नेट. और अब ये भी फटने वाला है. ओ भाई. ब्लैक एंड व्हाइट होने की वजह से और नजर नहीं आ रहा है. मशाल का कोई काम नहीं रहता है. इतने धमाके सुनने के बाद कहीं बहरा तो नहीं हो गया ना नेट? नेट, केयरफुल. या एवरीज गॉन ऑल इजिप्शियन. Except this mummification wasn't, you know, voluntary. जबरदस्ती सबको बांध बांध के उनके अंदर ट्रैप लगा दिया. जाना इधर ही से. ये तो बंद है. यहां से नहीं जाना है. चलो ठीक है. इलीना आ जाओ. फिर मम्मी फटने वाली है. अरे वाह, सामने रोशनी नजर आ रही. शोरलाइन फ्लेयर्स यानी कि शोरलाइन यहीं पे है. तो चलो भाई आज का गेम प्ले हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे. और आगे अभी और बहुत कुछ होने वाला है.
और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कमेंट करके बताना मुझे, और मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा एक दिन बाद ही आ जाए। और ख्याल रखो सबको, सेफ रहो, जाने से पहले यार वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।